अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी तकरीबन भी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह तो हमने सुबह ही कर लिया था और आज भी हमने काफ़ी सारे काम करने हैं, जैसे कि कल किए थे। कल की वीडियो में आप सबने देखा था कि कल हम काफ़ी सारा सामान लेकर चले गए थे। आधे से ज़्यादा तकरीबन सामान ले गए हैं और आधा सामान बाकी है, मतलब कि बड़ा बड़ा मेन जो सामान होता है वो ले गए थे, अलमारी पेटी उसके कपड़े वगैरह और सोफ़े वगैरह ले गए थे। आज भी काफ़ी सारा सामान है, सोचा है कि आज तो लेकर नहीं जाएंगे लेकिन रेडी करके तो ज़रूर रखना है, क्योंकि एक कल या फिर परसों फिर से गाड़ी बुलवाएंगे तो इंशाल्लाह अगले चक्कर में सारा सामान ले जाएंगे। तो उससे पहले हमें ये सारा सामान रेडी करके रखना है। और कल बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी क्योंकि भारी भारी सामान था वो उठा के गाड़ी में रखा और फिर वहाँ पर जाकर भी उतारा। पापा ने भी हेल्प कराई, मैंने भी, और मेरे एक दो दोस्त भी थे वो भी साथ में गए थे, उन्होंने भी हेल्प कराई। खैर वो सामान तो खैर खैरियत से पहुँच गया, कोई नुकसान नहीं हुआ और बाकी सामान एक दो दिन में पहुँचाएँगे। आज देखते हैं कि सारा सामान रेडी हो पाता है कि नहीं। भाई निया इधर खड़ी होकर बाल बना रही है और यहाँ पर मेरा कमरा देखें बिल्कुल खाली हो चुका है। ये वाला कोना भी खाली है और ये वाला कोना भी खाली है, बस यहाँ पर थोड़े बहुत मेरे औजार बचे हैं। ये मुझे कट्टे में डालने, ये कट्टा बिल्कुल फट चुका है, काफ़ी टाइम से संभाल के रखे हुए औजार मेरे काम के हैं। तो खैर मैंने ये दूसरे कट्टे में डालने हैं और इस तरफ से भी बिल्कुल खाली, इस कमरे में सिर्फ चरपाई बची है। भाई मैं अभी जा रहा हूँ बाहर क्योंकि भूख लग रही है और काफ़ी देर से सुबह से काम कर रहे थे, सारा सामान वगैरह समेट रहे थे। अभी भी थोड़ा बहुत सामान बाकी है, काफ़ी सारा सामान समेट लिया है, पैक करके रख दिया है, बस इंशाल्लाह एक आध दिन में वो सामान लेकर जाएंगे। खैर मैं अभी खाना लेने जा रहा हूँ क्योंकि काम में लगे हुए थे, इस वजह से नेहा ने या पापा ने कुछ भी नहीं पकाया, तो बाहर से जाके मैं बिरयानी लेने जा रहा हूँ। भाई बाहर गए थे और बाहर से लेकर आए हैं बिरयानी, क्योंकि दोपहर में तो कुछ खाने को था नहीं, रोज़ाना ही आजकल जो है बाहर से आ रहा है क्योंकि पक नहीं रहा, कामों में बिज़ी होते हैं। तो खैर भाई अभी अपनी बिरयानी डाल रहे हैं और पापा और मेरे लिए लेकर आए हैं पुलाव, साथ में है दही ताकि जो है ना मिर्ची ना लगे ज़्यादा। खैर मज़ा आ जाएगा आज तो चावल खा के, और रात में भी पापा बोल रहे हैं चावल पकेंगे, आज पकाएँगे घर में खाना। क्या करें, वो आज घर में रहेंगे तो आज पकाएँगे। हाँ दो दिन से बाहर से आ रहा है, ये भी बाहर से आया अभी क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे। ये देखे ना कितना सारा सामान हमने निकाला है। हाँ ये सारा सामान निकाला है, किचन का भी है वो भी निकालना है, फिर उसके बाद फिर कहीं नहाई तैयारी करेंगे आगे की। भाई दोपहर का खाना तो हमने खा लिया है और मैं अभी सोच रहा था कि फारिक बैठने से अच्छा है कि कोई काम कर लेता हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे पास है गया एक काम, मुझे अपने औजार वगैरह इसमें बोरा चेंज करना है। उसका कट्टा जो है ना बिल्कुल फट गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि औजार नोकीले होते हैं, वो जगह जगह से बोरे से बाहर आ के ना, तो वो कट्टा बिल्कुल फट चुका है। तो मैं अभी बाहर से नया कट्टा भी लेकर आया हूँ, तो अभी इसको चेंज करता हूँ। ये देखें ये जो पुराने वाला कट्टा है बिल्कुल गल चुका है, फट रहा है। ये पापा नया कट्टा लेकर आए थे तो इस कट्टे के अंदर ही मैं ये सारे औजार डालूंगा, ये मजबूत भी है और उठाने में भी बिल्कुल आसानी होगी हमें। चले भाई आधा घंटा मेहनत करने के बाद मेरे सारे औजार मैंने साफ़ करके इस बोरे में डाल दिए और ख़राब कट्टा फटा हुआ इधर फेंक दिया। ये जो बाकी कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं ये भी बाहर फेंकने गए, तो ये मैं रात के टाइम पर बाहर कचरा कूड़ी पर फेंक कर आ जाऊँगा। और ये फोम वगैरह भी पड़ा हुआ है ये भी फेंकना है। खैर ये मैं कट्टा उठा के साइड पे रखता हूँ अभी। भाई मैं तो औजार वगैरह बोरे के अंदर डाल कर यहाँ पर आ चुका हूँ और नेहा यहाँ पर बैठी हुई है, वैसे ही बैठी हुई है, फ़ोन वगैरह नहीं चला रही। तो मैं इससे भी पूछ लेता हूँ कि आज इसने पूरे दिन में क्या काम किया और क्या नहीं किया। तो है वैसे तो पापा ने ज़्यादा काम बताया नहीं क्योंकि कल के भी थके हुए थे, पापा ने बोला आज जो है ना बस थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, साथ में आराम भी करते रहेंगे। तो बस ऐसे ही बस सुबह पापा के साथ मैंने और आपने मिलके ऊपर से बर्तन वगैरह उतरवाए, गिलास उतरवाए। ज़्यादा काम तो मैंने ही किया ना, ऊपर भी मैं ही चढ़ा था, सामान मैंने उतार के दिया, नीचे भी साफ़ करवाया
फिर मैंने अपने उधार भी डाले और भी ज़्यादा काम किए हैं आपसे तो ज़्यादा ही किए हैं। हाँ ये है कि सबने ही ज़्यादा ज़्यादा किए हैं अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से किए, आपने अपने हिसाब से किए। और पकाया क्या है पकाने में? आज सोचा था कि घर में पकाएंगे, तो फिर पापा ने बोला कि दाल चावल पका लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया खाए नहीं बाहर से। वो बाहर से तो खैर आते ही नहीं है दाल चावल, कभी घर में नहीं खाए क्योंकि बाहर से काफ़ी दिन से बाहर से ही खाना आ रहा था, कभी निहारी आ रही है, कभी दाल आ रही है या कभी बिरयानी आ रही है, इसलिए पापा ने कहा कि हल्की फुल्की चीज़ पका लेते हैं, दाल चावल तो वही पक रही है अभी। पक रही है या पकने वाली है? नहीं नहीं पकाने के लिए रखी है अभी दाल चूल्हे पे, अब देखते हैं कब तक पकेगी। भाई मुझे तो भूख लग रही है, भूख बहुत ज़्यादा। भूख तो मुझे भी लग रही है क्योंकि दोपहर में हमने कुछ इतना ख़ास नहीं खाया, बस थोड़े से ही चावल खाए थे, बिरयानी बस, उस एक प्लेट से गुजारा कोई होता है एक बंदे का। खैर जल्दी जल्दी पकाती हूँ मैं, फिर खाते हैं खाना। सही भाई, अभी हो रहा है शाम का टाइम और नेहा यहाँ पर चावल साफ करके परात में डाल दिए हैं, पानी डाल के इसको धो रही है और आज काफ़ी टाइम के बाद चावल पक रहे हैं क्योंकि घर में काम में मसरूफ़ थे हम तीनों के तीनों, तो आज ही खाना बना रहे हैं। और भाई यहाँ पर किचन में नेहा ने पानी उबालने के लिए रख दिया है मेरे ख्याल से, इसके अंदर तेल भी है। और यहाँ पर छोटे भगोने में दाल तो बिल्कुल तैयार है, बस नेहा चावल धोकर लाएगी और आगे का काम करेगी और फिर उसके बाद शाम में मतलब कि रात में हम लोग खाएंगे खाना। तो भाई अभी 7:30 बजे का टाइम होने वाला है और आज हम इतनी जल्दी खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है, दोपहर में भी कम खाया था और इसी वजह से नेहा ने आज जल्दी पकाया है। और बस कुछ ही दिन है यहाँ से चले जाएंगे, आखिरी दिन चल रहे हैं यहाँ पर खाना खाने के। ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी खाना ही खा रहे हों, कल चले जाएं, कल सिर्फ नाश्ता करें। नहीं ऐसा तो नहीं, 2-3 दिन तो हैं अभी। हाँ। और भी काम करने। भाई अभी रात 10 बजे का टाइम हो रहा है और खाना वगैरह हमने खा लिया है और माशाल्लाह से आज नेहा ने खाना बनाया था, वैसे तो वो बनाती नहीं है लेकिन आज उसने खुद अपनी मेहनत से बनाया, पापा से बिल्कुल भी नहीं पूछा और खाना बिल्कुल सही बनाया था। और आज हमने तीनों ने मिलकर पापा ने नेहा ने और मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किए, मतलब के सामान वगैरह समेट लिया, जो भी करना था सब कुछ कर लिया, बस ये एक काम रह गया पंखा उतारना है, ये हम उतारेंगे सुबह। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।